IBN 7 हौसला है। और गणतंत्र दिवस पर जारी एक सरकारी विज्ञापन से सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द हटाने के मसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने मांग की है कि संविधान की प्रस्तावना से सेक्युलर शब्द हटा दिया जाना चाहिए, क्योंकि भारत कभी सेक्युलर राष्ट्र रहा ही नहीं। कांग्रेस ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री से सफाई की मांग की है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की तरफ से गणतंत्र दिवस के मौके पर छपा यही वो विज्ञापन है जिसने देश की सियासत में भूचाल ला दिया है। इस विज्ञापन से सेक्युलर और सोशलिस्ट जैसे अहम शब्द ही गायब थे। इस विवाद में अब बीजेपी की सहयोगी शिवसेना ने आग में घी डालने का काम किया है। इस विज्ञापन का स्वागत करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि संविधान से सेक्युलर शब्द ही हटा देना चाहिए। सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन है कि गलती हो गई। अगर एक गलती हुई है तो गलती का भी हम स्वागत करते हैं। पहली बार ये देश धर्मनिरपेक्ष कभी न था, न रहेगा, न है। ये देश की श्रद्धा है कि ये हिंदू राष्ट्र है। श्रद्धा का विषय ना अमेंडमेंट से खत्म होगा, ना न्यायालय में खत्म होगा। जाहिर है विपक्ष को मौका मिलना ही था। कांग्रेस पार्टी ने इसे सरकार का सोचा समझा कदम बताते हुए प्रधानमंत्री से सफाई मांगी है। देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करती है कि अगर शिवसेना के द्वारा दिया गया यह बयान किसी सोची समझी भाजपा शिवसेना की रणनीति का हिस्सा नहीं है तो उन्हें अपने मित्र दल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार की दलील है कि सेक्युलर और सोशलिस्ट शब्द संविधान में संशोधन करते हुए 1976 में जोड़े गए थे, जबकि विज्ञापन का टेक्स्ट संविधान की मूल प्रस्तावना से लिया गया है। सरकार का तो यहाँ तक दावा है कि पिछली सरकार के वक्त आए विज्ञापन में भी ये शब्द नहीं थे। That was in 42nd amendment in 1976 that included these two words, secular and socialist. So are we to say the governments before 1976 were not secular? We are honoring the first preamble and hence this picture that has come for the advertisement. विपक्ष सरकार पर हमलावर है, लेकिन सरकार बैकफुट पर जाने को तैयार नहीं दिख रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।